हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कुछ मस्ट हैव ब्लाउजेस जो कि आपको बहुत मदद करेंगे अपनी साड़ीज़ को स्टाइल करने में। कुछ तो ब्लाउजेस मेरे बहुत पुराने हैं जिन्हें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूं और कुछ ब्लाउजेस को मैंने अमेजोन से रिसेंटली मंगवाया है। सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। पहले मस्ट हैव ब्लाउजेस है वो है कुछ प्लेन ब्लाउजेस, कुछ इस तरीके के ब्लाउजेस जैसा कि मैंने पहना भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ ऐसे तीन चार कलर्स हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए जब भी आप अपनी हैवी साड़ीज़ को टोन डाउन करना चाहती हो और या कैजुअली ब्लाउजेस को पहनना चाहती हो। आप उसे स्लीवलेस पहनना चाहती हैं या स्लीव वाला पहनना चाहती हैं, वो आपकी चॉइस है। पर इस किस्म के ब्लाउजेस आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी साड़ी को स्टाइल करने में। मैंने जैसा कि रेड ब्लाउज पहना हुआ है, इसी में मेरे पास ये ब्लैक ब्लाउज भी है, मेरे पास ये एम्ब्रल ग्रीन ब्लाउज भी है, और जो रिसेंटली मैंने अमेजोन से कलर्स मंगवाए हैं वो है एक ये ब्लू ब्लाउज। इसका बोट नेक है, स्टिचिंग जो है इस ब्लाउज की काफ़ी ज़्यादा नीट है, लेकिन ये नॉन पैडेड ब्लाउज है, लेकिन कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ब्लाउज को पहनते वक्त, क्योंकि जो इसका बैक का गला है वो 10 इंचेस है, तो 10 इंचेस को आप कैरी कर सकते हैं अपनी ब्रा के साथ बहुत आराम से। इसके अंदर स्लीव्स भी दी हुई हैं जो लोग इसमें स्लीव्स लगवाना चाहते हैं उनके लिए। मैं प्रेफर करती हूँ स्लीवलेस पहनना, तो मैं तो इसके अंदर स्लीव्स जो है नहीं लगवाऊंगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और इसी तरीके का एक और ब्लाउज है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया, वो है ये फ्यूशिया ब्लाउज। इसके गले के पास जो है इस किस्म का डिजाइन बना हुआ है, ये वी नेक में है और इसके अंदर जो है पैड लगा हुआ है ऑलरेडी, और ये कलर मेरे पास नहीं था और डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो स्टिचिंग है वो भी काफी नीट है। मटेरियल जो है इन ब्लाउजेस का वो है कोई सिल्क जैसा मटेरियल, बट ऑफकोर्स ये प्योर सिल्क नहीं है, इसीलिए शायद हमें ये इतने रीजनेबल प्राइजेस पर भी मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप साड़ीज़ के साथ आराम से पहन सकते हो। वैसे ये वाला ब्लाउज मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा क्योंकि ये जो साइज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो ब्लू वाला ब्लाउज था उसका साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको साइज़ चार्ट को देखकर ही ऑर्डर करना है साइजेस को। अगर आप इस वाले को ऑर्डर करते हैं तो इसमें आप अपना एक साइज़ जो है कम मंगवा सकते हैं। और जो मार्जिन्स दिए हुए हैं इन ब्लाउजेस के अंदर बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, हर तरफ 4-4 इंचेस का मार्जिन है। और जो नेक्स्ट मस्ट हैव ब्लाउज है वो है ये ब्लाउज, ये है ब्रोकेड सिल्क में। इसमें पिंक, ग्रीन और गोल्डन शेड्स हैं, तो किसी भी डार्क सॉलिड कलर की साड़ीज के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। पीछे इसका वी नेक है और ये जो टैसल्स हैं इसमें दिए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ये ब्लाउज है। इसके अंदर भी ब्रांड ने हमें स्लीव्स प्रोवाइड की हुई हैं, बट ओवरऑल ये ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत है और आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि मैं इसको कैसे स्टाइल करने वाली हूँ। और जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये ब्लाउज, ये बेज कलर का ब्लाउज है जिसके ऊपर मल्टी कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये एक ऐसा प्रिंट है जो आपकी काफी साड़ीज के साथ जो है मैच कर जाता है। स्लीव्स इसकी एल्बो स्लीव्स हैं, और जो ऐसे ट्रेडिशनल ब्लाउजेस होते हैं जो ट्रेडिशनल प्रिंट के होते हैं, मुझे लगता है उनमें जब स्लीव्स जो होती हैं एल्बो तक होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बोट इसका नेक है, पीछे इसकी जो है ओपनिंग है बटन्स की, क्वालिटी मुझे फैब्रिक की जो है काफ़ी अच्छी लगी। और मैक्सिमम ये जितने भी ब्लाउजेस मैंने मंगवाए हैं ये हैं स्टूडियो श्रृंगार से, और प्राइस के अकॉर्डिंग ब्लाउजेस की क्वालिटी भी जो है अच्छी है। आप लोग बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑनलाइन ब्लाउजेस में, लाइक ये बहुत ही अच्छी परचेज है अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि ये तो काफी सिंपल सोबर स्टाइल है, तो वर्किंग लोगों को ये बहुत काम आएगा। मुझे इस तरीके के ट्रेडिशनल प्रिंट्स बहुत पसंद है, आप इक्कत में या बंधेज में भी ऐसे प्रिंट्स को जो है मंगवा सकते हैं, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। और जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये है अम्ब्रेला स्लीव्स का ब्लाउज, और मैंने इसको मंगवाया था इस साड़ी के साथ पहनने के लिए, लेकिन ये आज ही डिलीवर हुआ है
और मैं ऑलरेडी इस साड़ी को शूट कर रही थी तो मैं इसको पहन नहीं पाई, लेकिन डेफिनेटली इसको पहनकर भी मैं इस साड़ी को शूट करूंगी। और बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है, जो फैब्रिक है इसका वो है सैटिन और काफ़ी थिक वाला सैटिन है। और आगे इसकी ओपनिंग है, बैक में इसमें टैसल्स लगे हुए हैं, डोरी दी हुई है। ब्लाउज़ की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है ना ही बहुत बुरी क्वालिटी है, लेकिन जो प्रिंट है वो ब्लाउज़ का बहुत अच्छा है। खासकर जिन लोगों को क्रॉप टॉप के साथ बहुत अच्छा लगता है अपनी साड़ीज़ को स्टाइल करना, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पीस है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, तो ये मेरी काफ़ी अच्छी परचेज़ है अमेज़ॉन से। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे स्टाइलिंग वीडियोस में देखा है कि मैं अपनी साड़ीज़ को क्रॉप टॉप के साथ बहुत ज़्यादा स्टाइल करती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर एक ब्लैक सीक्वेंस का या तो क्रॉप टॉप ले सकते हैं या आप किसी ब्लाउज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे सीक्वेंस के ब्लाउज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरा जो ये क्रॉप टॉप है ये ज़ारा से है, इसे मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर सेल में ख़रीदा था, तो अब ये ज़ारा पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस किस्म का आपके पास एक ब्लाउज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक सीक्वेंस का ब्लाउज बहुत हेल्प करता है जब भी आप क्रिएट करना चाहें एक ग्लैमरस लुक। और जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये ब्लाउज, ये है एम्ब्रल ग्रीन कलर का बनारसी ब्लाउज। ये मैंने अपनी एक सिल्क साड़ी की पल्ले को काट के बनाया था, क्योंकि जो मेरी साड़ी थी वो बीच में से पूरी कट गई थी, तो ये मुझे इतना काम आएगा जब मैंने बनवाया था ये मैंने तब नहीं सोचा था। लेकिन इस किस्म के ब्रोकेड के ब्लाउज अगर आप बनवाते हो तो वो भी बहुत काम आते हैं जब बिल्कुल टिपिकली ट्रेडिशनली आप स्टाइल करना चाहते हो अपनी साड़ीज को। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ दो ही कलर में इन्वेस्ट कीजिएगा, या तो आप लीजिए मरून रेड कलर और या लीजिए ग्रीन कलर। ऐसे जो स्टाइल्स होते हैं ब्लाउज के वो इन्हीं रंगों में अच्छे लगते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी मैक्सिमम साड़ीज के साथ ये कलर्स जो हैं चले जाते हैं। और इसी ग्रीन ब्लाउज की तरह आपके पास एक गोल्डन जरी ब्लाउज भी जरूर होना चाहिए इस तरीके का। मैंने ये मिरर वर्क का एक ब्लाउज जो है वो बनवाया हुआ है, और ऑनलाइन भी आपको गोल्डन और सिल्वर ब्लाउज बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। मैं ढूंढ कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जब भी आप इन्वेस्ट करें गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज में, तो हमेशा जो स्लीव की लेंथ है उसे एल्बो स्लीव्स लगवाइए, क्योंकि जो एल्बो स्लीव्स होती हैं वो कभी भी फैशन से आउट नहीं होती हैं। और मुझे लगता है ऐसे ब्लाउजेस एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है हम सब लोगों के लिए जिन्हें पसंद है साड़ीज पहनना। आई होप आपको ये ब्लाउजेस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कुछ और स्टाइलिंग टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।